लखनऊ का कोर्ट परिसर उस वक्त दहल उठा जब वकील के भेष में एक बदमाश कोर्ट परिसर में दाखिल होता है और गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर देता है। ये चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम पेश आया। कोर्ट रूम में हत्या हुई संजीव जीवा, कुख्यात अपराधी, उम्र कैद की सजा ऐसे थी जिसकी आज मौत हो गई है और गिरफ्त में है हमलावर, बच्ची को भी गोली लगी है। चार तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ कई सवाल अब उठ रहे हैं कि कोर्ट परिसर में आखिरकार बदमाश इतनी आसानी के साथ हथियार लेकर कैसे दाखिल हो गया और तमाम पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच कैसे इस बदमाश ने इसकी हत्या कर दी। तमाम सवाल अब विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। इन चार तस्वीरों के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। तो देखिए, गैंगस्टर संजीव जीवा शूटआउट पर मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लखनऊ कोर्ट परिसर में आज हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हत्या यूपी में कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत है, सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग है। तो देखिए, अब विपक्ष भी तमाम सवाल करने लगा है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ मायावती ने भी अब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, ट्विटर के माध्यम से अपने ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया है और देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, जिन्होंने लिखा है कि ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत है, सरकार को जल्द से जल्द सख्त कदम उठानी चाहिए, बीएसपी भी ये मांग कर रही है। तो लखनऊ कोर्ट परिसर में आज ही पूरा गोलीकांड जिससे दहशत बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।